नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये हमारे शरीर में क्यों उत्पत्ति होती है, इस बारे में आज हम स्वामी जी से बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये हमारे शरीर में क्यों उत्पत्ति होता है, और मर्म चिकित्सा में आप इसका कुछ परिहार देते हैं, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ माहिती दीजिए। जरूर बेटी, जरूर। आज हम आपको बताने जाने वाले हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? अभी आप जो भी हमारे अंदर जो परिणाम होती हैं हमारे अंगों में, उसका प्रमुख है हमारा नर्वस सिस्टम। तो जहाँ पे खून की दौड़ होती उसी में ही सब कुछ ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, चाहे वो शुगर लेवल हो या आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो, ये दोनों वहीं पर ही बढ़ते हैं। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? मैंने हर एक आपके वीडियो में आपको बताया है जो प्रमुख कारण होता है वो है स्ट्रेस। जब हमारी मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाती है, तब जाके हमें जो भी हम कान पदार्थ खाते हैं, जो मिनरल्स हमारे अंदर नाइट्रोजन, जो मेनली जो नाइट्रोजन एक मिनरल है जो हम कान पदार्थों में हमें मिलती है, जिसको हम खाते हैं, वो अजीर्ण हो जाता है। जब मानसिक तनाव होती है तो अजीर्ण उत्पन्न ज़्यादा होने लगती है, जिसके वजह से गैस फॉर्मेशंस ज़्यादा पेट में फैल जाती है। वो पेट में जो भी फैलता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमियाँ जब दिखाई देती है, तब जाके वो नर्वस सिस्टम से आपकी ब्रेन के थ्रू, लंग्स से ब्रेन के थ्रू जब जाती है, वो ऑक्सीजन कम होने लगता है। कम होता है तो फिर आपको ब्लड क्लॉट स्टार्ट होने लगता है, तो खून की दौड़ कम होने लग जाती है। इसमें आपको जब खून की दौड़ कम होकर क्लॉट होने लगती है, उससे आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरी प्रकार की एक ब्लड क्लॉट्स होती हैं, जिसकी वजह से भी आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस हैं, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी बढ़ने का चांसेस हैं। वो कैसे होती हैं? तो छोटे उम्र में ही, बालावस्था में आप कह सकते हो, या कभी भी किसी भी उम्र में जब आपको इंजरी हो जाती है, कहीं पे भी किसी भी अंग में इंजरी हो जाती है, उसमें दो प्रकार की एलिमेंट आते हैं। एक कहते हैं एवीएम, एवीएम को कहते हैं आर्टरी वेनस मालफॉर्मेशन। आर्टरी वेनस मालफॉर्मेशन में क्या होता है, कहीं पे भी किसी भी अंग में वो हो सकता है। मोस्टली वो ब्रेन में ही होता है या स्पाइन में होता है, कभी कभार सारे अंगों में भी वो प्रवाह कर जाती है। तब माल फॉर्मेशन जो होती है, एकदम क्लॉट होने के बाद ही, आर्टरी और वेन में क्लॉट होते ही वो माल फॉर्मेशन, यानी कि उसमें खून की दौड़ना वो रुक जाती है, जिससे आरए फैक्टर्स ज़्यादा होने लग जाता है या ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होने लग जाता है, विकलांग होने लग जाते हैं, उस तरह का माल फॉर्मेशन वहाँ पर आता है, स्पाइन में भी ज़्यादा दर्द होने लगती है। दूसरा है आर्टरी वीनस नेक्रोसिस। जो नेक्रोसिस जो होती है वो एक्सीडेंटल केस में होती है, मोस्टली एक्सीडेंटल केस। तो माल फॉर्मेशन में और इसमें क्या फ़र्क है? माल फॉर्मेशन बचपन में ही हो सकता है, किसी भी कारणवश वो माँ के कोख से निकलते वक्त भी हो सकता है, मगर नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंट, जो इंजरी, नॉर्मल इंजरी होता है उससे होती है। ये भी आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। कारण क्यों? जब ब्लड क्लॉट हो जाती है, तब जो भी आप कान पदार्थ लेते हो वो अजीर्ण का ही एक रिजल्ट आती है। अजीर्ण होने के वजह से वो पूरा डेब्रिस बन जाती है, एक ना ट्राइग्लिसराइड्स या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये दो प्रकार की बैड कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे उत्पन्न होती है। जिसका भी ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बड़ा हो या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा बड़ा हो, तो हम पल्मरी और कोरोनरी आर्टरी में हम प्रेशर दे सकते हैं। वो कहाँ से होगा? हमारी उंगलियों में और हमारे पाँव में। ये जो बीच की उंगली है, जहाँ पे आप 30 सेकेंड दबाते ही जाएंगे, तो जिसका भी आर्टरीज में, चाहे वो पल्मरी हो या कोरोनरी आर्टरी हो, वहाँ पे कोई भी ब्लड क्लॉट हुआ हो आपके एरेटा के अंदर, वो तुरंत ही रिलीज हो जाएगा और आपको पसीने छूटने लगेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे, ये हार्ट वॉल्व से, ये जो थंब रीजन है, इसकी जो टिप है, वहाँ पे भी आप 30 सेकेंड्स आप प्रेशर देने लगेंगे, तो आपके हार्ट वॉल्स में जहाँ जहाँ पे भी अन्यूरिसम भी हो सकता है या क्लॉट भी हो सकता है, वो तुरंत ही रिलीज होने लग जाएंगे। उसके वजह से आपको बहुत ही
लाभदायक हो जाएगा। इसी प्रकार यहीं पे ही जहाँ पे आपकी आर्टरीज हैं वहीं पे भी वेन्स हैं। वेन्स क्या है, वो पूरे शरीर को आपको ऑक्सीजन ब्लड देता है। आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी लंग से लेती है और आपकी वेन्स जो जिस पे काम करते हैं हम, वो पूरी ऑर्गन में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी थ्रू सप्लाई करता है। जब हम फिर से यहाँ पर प्रेशर देंगे तब जो ऑक्सीजन हमें मिलती है ब्लड के द्वारा वो पूरा कोरोनरी आर्टरी के थ्रू कोरोनरी वेन्स के पास से वो निकल जाते हैं, पूरे शरीर को आपको ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार से आप कोलेस्ट्रॉल को तुरंत ही आप कम कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका जो पाँव के इसमें बड़ा टो है और बीच वाला टो है उसमें भी आप प्रेशर देंगे उंगलियों में, जरूर आपको राहत बहुत जल्द मिल जाएगी और इससे आप कोलेस्ट्रॉल से बच सकते हैं। शुक्रिया स्वामी जी, बैड कोलेस्ट्रॉल से जुड़े छोटी सी छोटी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो दोस्तों, आप भी अगर बैड कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं तो आप परिपूर्ण सनातना चैरिटेबल आयुर्वेदा हॉस्पिटल आकर अपना ट्रीटमेंट पा सकते हैं। तो बने रहिए आप श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।